बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने वीआरएस ले लिया है। बिहार के राज्यपाल ने उनके वीआरएस को मंजूरी भी दे दी है। वहीं आईपीएस अधिकारी एसके सिंघल को बिहार के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एसके सिंघल की सीवान के डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन को सजा दिलाने में अहम भूमिका रही है। बिहार के गृह विभाग की तरफ से शनिवार जारी अधिसूचना के मुताबिक साल 1988 बैच के आईपीएस अफसर एसके सिंघल डीजी का पदभार संभालेंगे। आईपीएस संजीव कुमार सिंघल फिलहाल होमगार्ड के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनको 1987 बैच के आईपीएस रहे गुप्तेश्वर पांडेय के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के बाद बिहार के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सिंघल 1996 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर सीवान में डॉन राजनेता शहाबुद्दीन ने हमला किया था। उस दौरान वह वहां पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात थे। 2007 में एक विशेष अदालत ने शहाबुद्दीन को एसके सिंघल पर हमले के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं संजीव कुमार सिंघल को 2 बार राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। सबसे पहले उन्हें साल 2010 में सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2011 में स्पेशल ड्यूटी मेडल, साल 2012 में हार्ड ड्यूटी मेडल के साथ उन्हें डीजी डिस्क भी मिल चुके हैं। आपको बता दें कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने अपने कार्यकाल पूरा होने के लगभग 5 महीने पहले ही पद से वीआरएस ले लिया है। उनके वीआरएस लेने को लेकर यह बात सामने आ रही है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वह अपनी किस्मत आजमाएंगे। न्यूज़ डेस्क।